Students, today we do our English grammar book and our lesson number 15. The name of our chapter is was, were. First of all, we read some sentences. Look at that. Ayan was a student of class 2. Mala was his sister. Their teachers were proud of them. Dr. Arpan Gupta and Mrs. Anu were their parents. Ayan and Mala were the students of the same school. In the sentences, look at that. Ayan कितने हैं? One. एक है, तो हमने क्या लगाया है? Was. Mala, एक person है, तो क्या लगा? Was. Their teachers. अब यहाँ पर देखिए, teachers जो word है, वो plural है, एक से ज़्यादा है. जब s पीछे लग जाता है, तो वो एक से ज़्यादा हो जाते हैं. और वहाँ हम क्या use करेंगे? Were. That means, was कहाँ use होगा? जब one person है. और वर कहाँ यूज होगा? जब एक से ज़्यादा पर्सन है. ओके, अब लुक एट दैट द नेक्स्ट सेंटेंस. डॉक्टर अर्पण गुप्ता एंड मिसिज अनु. यहाँ पर देखिए, ये वन पर्सन नहीं है, ये टू पर्सन्स है. टू पर्सन कौन है? एक है अर्पण गुप्ता और दूसरी है मिसिज अनु. देर आर टू पर्सन्स. यहाँ पर दो पर्सन्स हैं, इसीलिए यहाँ पर लगा है वर. ओके, डॉक्टर अर्पण गुप्ता एंड मिसिज अनु वर देयर पेरेंट्स. ओके, अगेन सेम है. आयन एंड माला, अभी कितने हैं? दो हैं. आयन एंड माला वर द स्टूडेंट्स ऑफ द सेम स्कूल. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट जब भी हम वाज और वर का यूज़ करते हैं, तो ये हमें था और थे की सेंस देते हैं. दैट मीन्स हमें पास्ट के बारे में बताते हैं. जैसे अगर मैं यहाँ पर करती आयन इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास टू, अगर मैं यहाँ इज लगाती तो वो क्या बन जाता? आयन दूसरी क्लास का विद्यार्थी है. लेकिन अब यहाँ पर आया आयन वाज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड, तो क्या बनेगा? आयन दूसरी क्लास का स्टूडेंट था. क्या सेंटेंस आया? था. इज एम आर हमें क्या देता है? इज एम और आर हमें है की साउंड देता है, जो कि प्रेजेंट में बात कर रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट में. ओके, बट वाज और वर की जो हिंदी रहती है वो था रहती है, जो कि हमें पास्ट के बारे में बताता है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या लगा मेरा? वाज. आयन दूसरी क्लास का विद्यार्थी था, और अगर इज आता तो आयन दूसरी क्लास का विद्यार्थी है. ओके, था और इसके साथ लगेगा थे. इज एम आर में लगता है और हूँ. ठीक है बेटा, तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है. दो सेंटेंसेस शो दैट वी यूज वाज विद द नेमिंग वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर वन. किसके लिए? वन के लिए, और जो पास्ट के बारे में बता रहा है. पास्ट में है और वन है, तो क्या लगेगा? वाज. और वर कहाँ लगेगा? वर कहाँ लगेगा बेटा? विद द नेमिंग वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर मोर देन वन, एक से ज़्यादा, एंड इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट द पास्ट. इज इट क्लियर दैट वाज और वर कहाँ यूज होगा? वन पर्सन पास्ट में है तो वाज आएगा, वन से ज़्यादा पर्सन पास्ट में हैं तो क्या लगेगा? वर लगेगा. इज इट क्लियर? ओके, अब हम करेंगे इसकी सम एक्सरसाइजेस. ठीक है, देखिए. आई डैश सिक यस्टरडे, तो आई के साथ क्या लगता है? वाज. माई टॉयज, टॉयज हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो क्या लगा? वर. द बस, सिंगल बस है, वाज. नॉट लेट. द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की मतलब होता है बच्चे. ठीक है ना, चिल्ड्रन. द चिल्ड्रन वर हैप्पी. दे वर, दे का मतलब है वे, और वे भी हमें क्या देता है? एक से ज़्यादा की साउंड देता है. सिटिंग इन द बस. द कैट वॉज चेजिंग द रैट. कान्हा वॉज वॉटरिंग द प्लांट्स. बर्ड्स वर चर्पिंग ऑन द ट्री. द फ्लावर वॉज कैप्ट इन द वॉज. द काओ वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड. ग्रेजिंग होता है बेटा चरना. ठीक है, गायें खेत में चर रही थी. द फ्लावर, फ्लावर वॉज कैप्ट इन द वॉस. वॉस होता है फूलदान. फ्लावर फूलदान में रखे थे. बर्ड्स, एक से ज़्यादा हैं. पक्षी पेड़ों पर चर्पिंग कर रहे थे. चर्पिंग होता है कि चहचहा रहे थे. ठीक है, कान्हा वॉज वाटरिंग द प्लांट. कान्हा पौधों को पानी दे रहा था. दे के साथ वॉज, चिल्ड्रन के साथ वर, वन के साथ वॉज, और वन से ज़्यादा है तो वर. ओके स्टूडेंट्स, ओके, लुक आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 53. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है खुशी एंड जोया. अब देखो यहाँ पर खुशी और जोया टू पर्सन्स हो गए हैं, तो क्या लगेगा? वर.
सिंगिंग ऑन द स्टेज. चिंपैंजीज वर, क्योंकि चिंपैंजी नहीं है, चिंपैंजीज है, बहुत सारे चिंपैंजीज है. वर प्लेइंग विद बैट्स एंड बॉल्स. स्टूडेंट्स वर रीडिंग बुक्स. गर्ल्स वर प्लेइंग हाइड एंड सीक. माई बेस्ट फ्रेंड वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर. यहाँ पर फ्रेंड है, फ्रेंड्स नहीं है तो वॉज लगेगा. ओके चलिए नेक्स्ट में हमें क्या करना है, हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं हाफ और हाफ इधर और बीच में वाज और वर से उन्हें ज्वाइंट करना है. तो पहला मिलाया अ क्रो एंड अ पिजन, दो हैं तो वर. अ क्रो एंड अ पिजन वर, कौन है वो दोनों, हमारे फ्रेंड्स. ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज माई मदर एंड फादर वर, मैंने किससे जोड़ा, ई पार्ट से, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल. फिर आया गाथा, गाथा वॉज अ डॉक्टर. वी वर स्कैर्ड ऑफ द मंकीज. द सीनियर स्टूडेंट्स वर आउट ऑफ स्टेशन. देखो इसको मैंने यहाँ चेंज भी किया है और आप नहीं भी कर सकते. मैंने लिखा है माई मदर एंड फादर, आप ऐसे भी कर सकते थे, माई मदर एंड फादर वर आउट ऑफ स्टेशन. ओके, एंड द सीनियर स्टूडेंट्स वर ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल. ठीक है, आप दोनों में से इसको यहाँ, उनको आउट ऑफ स्टेशन भेज सकते हो, इनको यहाँ भेज सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो. ठीक है, मैंने इसको नीचे जोड़ दिया और इसको ऊपर जोड़ दिया, आप सामने के सामने भी जोड़ सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सेम उसी तरह से वाज और वर लगाना है. मालती के साथ क्या आएगा, वॉज. पालकी के साथ वॉज. गोट्स एक से ज़्यादा है तो क्या लगेगा, वर. देयर के साथ वर. ग्रैंड पेरेंट्स वर. ही के साथ वॉज. शी के साथ वॉज. और द बॉयज़ के साथ क्या लगेगा, वर. ओके नेक्स्ट पेज, हमें यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हम एक स्टोरी दिए हैं और उस स्टोरी में हमें वाज और वर फिल करने हैं. मान वेंट टू जू विद हिज फ्रेंड्स. मान अपने दोस्तों के साथ जू में गया. ही सा मैनी एनिमल्स देयर, उसने वहाँ बहुत सारे एनिमल्स देखे. अ मैन वॉज, एक आदमी है. अ मैन वॉज फीडिंग अ लॉयन, एक आदमी शेर को खाना खिला रहा था. मंकीज वर इन द केजिज, जो बंदर थे वो पिंजरे में थे. देयर वर टू टाइगर्स एंड थ्री बियर्स. अब देखो यहाँ पर देयर के साथ वर लगा है क्योंकि यहाँ पर टू टाइगर्स और थ्री बियर्स हैं. ओके, अ मंकी वाज ईटिंग अ बनाना. ठीक है बेटा, सम पीपल, पीपल होते हैं बहुत सारे लोग. सम पीपल वर राइडिंग ऑन एलिफेंट्स. अब यहाँ देयर के साथ वाज लगा है. देयर वॉज, ऊपर क्या था, देयर के साथ वर, क्योंकि वहाँ पर टू टाइगर्स थे, लेकिन यहाँ देयर के साथ वॉज लगा है बिकॉज देयर आर ओनली वन ओल्ड वुमेन, एन ओल्ड वुमेन सेलिंग ग्रेन्स टू फीड द बर्ड्स. मान एंड हिज फ्रेंड्स, अभी काफ़ी हो गए, एक मान हो गया और उसके दोस्त भी हो गए हैं. वर एक्साइटेड टू सी जेब्राज, द जेब्राज, बहुत सारे जेब्राज हैं तो वर वाइट एंड हैड ब्लैक स्ट्रिप्स. दे वर सो हैप्पी टू सी सो मैनी एनिमल्स. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको अभी ये वाले जो पेजेस हैं आपको अपनी बुक में सुंदर सुंदर फिल करने हैं और मैम को सेंड करने हैं. ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.